नमस्ते दोस्तों। दोस्तों ये मशीन को देखिए, ये मशीन अभी नया इंजन काम हुआ है। इंजन का काम अभी नया नया हुआ है, अभी 10 दिन हुआ है उसका इंजन का काम। उसने लेके 8-10 घंटा ही चलाया है, ज़्यादा नहीं चलाया है, 8-10 घंटा चलाया है। किसी बंदे ने उसका इंजन का काम किया था, हमारा यहाँ नज़दीक है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। उसने इसका इंजन का काम किया था, जो डालना है उसने वो डाला, कोई चीज़ ऐसा नहीं छोड़ा कि हाँ नहीं डाला या कुछ किया। देखिए ये नया पिस्टन है, ये दोनों वेल्व को भी नया लगाया है, वेल्व सीट भी नया लगाया है, फिर भी ये इंजन में ऑयल नहीं रहता है। इस इंजन का जितना भी ऑयल है वो नहीं रहता है, यहाँ पर फेंक देता है, यहाँ पर फेंक देता है। और पेट्रोल का जो पाइप रहता है यहाँ, उसके पेट्रोल के पाइप में वो सारा ऑयल लगता है और यहाँ जाके गिरता है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये सब यहाँ आके गिरता है, ये देखिए यहाँ, और यहाँ भी देखिए, ये चारों तरफ। इसके इंजन में ऑयल नहीं रहता है। उसने बोला भाई मैं 10 घंटा चलाया, 10 घंटे में मैंने उसको 2 बार इंजन का ऑयल चेंज कर दिया, 2 बार। इसका मतलब वो उसने 2 बार इंजन का ऑयल चेंज नहीं किया, उसी के ऊपर उसने डाला। 1 घंटे में 100 ग्राम ऑयल उसका निकल जाता है। मैंने जब उसको खोल के देखा, उसका पिस्टन तो सही है, कोई हिल नहीं रहा है, और रिंग भी सही है। मैंने उसको अभी ऊपर से भी दिखाई देता है, रिंग सही है, क्योंकि नहीं तो पिस्टन हिलता। और बोर को भी देखा, चेक किया, बोर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोर भी ठीक है। जब नज़र उसमें आया तो इसमें पता चला कि ये 20 साइज हुआ है। आपको नंबर दिखाई देता होगा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ लिखा है, ये देखिए, ये देखिए 20 साइज लिखा हुआ है, यहाँ 55 लिखा हुआ है, यहाँ 20 लिखा हुआ है। 20 साइज का जब हो जाएगा तब इतना मोटा पिस्टन बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। जितना पिस्टन मोटा होगा क्रैंककेस में, ये क्रैंककेस में ऑयल ज़्यादा, उसका हवा ज़्यादा भरेगा, और वो हवा को वो फेंकेगा कहाँ, एक ही रास्ता है यहाँ। ज़्यादा ऑयल अगर हो जाएगा तो फेंकेगा तो कहीं पर तो उसे वो निकालेगा, यहाँ पर सिर्फ धुआं निकालना चाहिए, धुआं, इतना धुआं मतलब गर्म हवा, गर्म हवा निकलना चाहिए, लेकिन धुएं के साथ साथ ऑयल भी वो छोड़ देता है। इतना हवा भर जाता है उसके अंदर, उसका प्रेशर से वो ऑयल भी चला आता है बाहर। यही आप लोगों को बताना था, कभी भी आपको इंजन का काम करना है तो आपको 10 साइज करना है और स्टैंडर्ड करना है, 10 के ऊपर कभी नहीं करने का। 10 के ऊपर करोगे तो यही हालत होगा। अभी मैं उसको फिर से खोल के लेके जाऊंगा, फिर से उसको खोलूंगा, लेद में भेजूंगा और उसको स्लीव डालूंगा। चारों तरफ जो स्लीव डलता है, ये नया स्लीव, जो पुराना स्लीव है उसको निकाल के नया स्लीव डालूंगा और स्टैंडर्ड करके फिर से आके फिट करूंगा। ये उसको तो डबल खर्चा हो गया, उसको डबल खर्चा नहीं होगा, उसका जो बेरिंग है उसने नया डाला है वो रहेगा, क्रांक का काम किया है वो रहेगा, खाली ये स्लीव का काम करना है। ये स्लीव का काम करने के लिए मिनिमम 1000 रुपये तो खर्चा हो जाएगा। पिस्टन, स्टैंडर्ड पिस्टन 460 रुपये, स्टैंडर्ड रिंग 250 रुपये, और स्लीव 300 रुपये, और लेद वाला लेगा 400 रुपये। फिर और एक बार वो फिटिंग का चार्ज भी देगा, डबल खर्चा है भाई। कभी भी ऐसा करने का नहीं, किसी का अगर कर दिया तो दिमाग आपका ख़राब हो जाएगा। वो आके बोलेगा भाई मेरा इंजन तो काम किया था, अभी आपने कैसा काम किया, अभी ऐसा हो रहा है। यही बताना था भाई आपको।
अगली वीडियो में मिलेंगे। अभी इसके बाद ये तो काम ख़त्म हो गया है, अभी मोटर का काम करेंगे। मैं एक दिखाता हूँ आपको, एक मोटर दिखाता हूँ। ये देखिए मोटर, एक मोटर आया है, पानी के अंदर था वो। देखिए कितना कचरा भरा हुआ है। कस्टमर आके बोला भाई मेरा मोटर नहीं चलता है। जब मैं उसको बोला पानी पानी में डूब गया था, उसने बोला नहीं पानी में डूबा नहीं था। जब खोल के देखा उसके अंदर से इतना पानी बाहर निकला और कितना कचरा निकला। देखिए अभी ये कचरा, अभी क्या करेंगे, मोटर को तो साफ़ करना पड़ेगा। साफ़ कैसे करेंगे, पेट्रोल से ही साफ़ करेंगे उसको, इसे पेट्रोल से ही साफ़ करेंगे। पेट्रोल से साफ़ करने से ये पूरा तार दिखाई देगा, अभी तार दिखाई नहीं देता है। अभी उसके बाद ये कहाँ से शॉर्ट निकलता है, जहाँ से शॉर्ट निकलता है उसको भी पकड़ना पड़ेगा। वाइंडिंग तो नहीं होगा, वाइंडिंग की वाइंडिंग उसका जला नहीं है, वो हो जाएगा कभी। हमारा ये एम के ट्वेल्व मशीन का काम ख़त्म होने दो, उसके बाद कुछ करेंगे। मेरा भाई यहाँ ये मशीन चलता है, होंडा मशीन चलता है, फैन का काम करता हूँ, ग्राइंडर का काम करता हूँ, मोटर का काम करता हूँ, हर टाइप का मोटर काम करता हूँ। खाली समरसिबल को छोड़ के बाकी सब मोटर में काम करता हूँ, क्योंकि समरसिबल में वो वाइडिंग करने के लिए मेरे पास कोई मशीन नहीं है। अगले वीडियो ये MK12 इंजन का पूरा काम आप लोगों को वीडियो बना के देने के बाद हम दूसरे काम शुरू करेंगे। मैं इसीलिए बीच में ये मोटर को नहीं लाता हूँ। ठीक है दोस्तों, रखता हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे।